बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तीसरे रमजान की सहरी जारी है। फिर दुखी दिल के साथ बोल रहा हूँ, बहुत रश है, बहुत रश है। जितने हजार लोग यहाँ बैठे हैं, इतने ही बैरियर के बाहर खड़े हुए हैं। ये चीज की तरफ इशारा है कि लोग नहीं करा पा रहे अपनी फैमिलीज को सहरी। सारे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग फैमिलीज के साथ आए हैं, उनकी खिदमत की जा रही है, कोई सदका खैरात नहीं है। लोग उनके अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। सहरी हो रही है आज की सहरी असद हनीफ साहब हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर जो उनकी तरफ से, और कल की चार रमजान की सहरी हैदर साहब जो फ्लोरिडा वाले उनकी तरफ से। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज जो करंट बिरयानी है, बहुत मशहूर डिश है ये, वो उसकी ये सारी तैयारी चल रही है, ट्रकों में देखे आ रही है। आप देख सकते हैं ये सब इस वक्त टीमें यहाँ निकाल रही है। अभी सहरी शुरू होने में टाइम है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ क्राउड दिखा दूं कि पांव रखने की जगह नहीं है। सारी चौरंगी ब्लॉक हो चुकी है, नुमाइश चौरंगी। ये फैमिली सारी एडी रियल एस्टेट के सरबरा आदिल मलिक साहब की जानेब से ये लोडिंग रक्षे हैं, जिनकी पुरानदाजी 27 रमजान को होगी, बेरोजगारों को दी जाएंगी। और ये 30 नई मोटरसाइकिलें जीएफएस बिल्डर के सरबरा इरफान भाई साहब की जानेब से, ये भी 27 रमजान को कुरानदाजी होगी। आप देख सकते हैं जितना क्राउड अंदर है, इससे ज्यादा क्राउड इस वक्त बैरियर के बाहर मौजूद है। सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में आए, जेडीसी के साथ स्नेक काम में शहरी अफ्तारी में जुड़ जाएं। हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है। कराची से आजाद कश्मीर तक तमाम दस्तरखानों में शहरी अफ्तारी जारी है जेडीसी के।